हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में भारतीय, रूसी और नेपाली कलाकार 3 दिवसीय कला शिखर सम्मेलन में एकत्रित हुए। कला सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। 50 से अधिक युवा कलाकार इस आयोजन का हिस्सा बने। कला शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो आर्टिस्ट दूसरे देशों से हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, हमारे आर्टिस्ट उनके साथ काम करते हैं, एक तरह का आपको एक एक्सपोजर मिलता है एक दूसरे के कल्चर को समझने का, और इसीलिए सारे प्रोग्राम अलग अलग जगहों पे कराए जाते हैं। अब जैसे शिमला आर्ट समिट है, शिमला में हिमाचल में कराया जा रहा है, तो जितने भी बाहर के आर्टिस्ट आएंगे उनको एक हिमालय की ब्यूटी देखने को मिलेगी, यहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा, यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने को मिलेगा, और सेम उनकी तरफ भी जाता है कि उनको अलग अलग देशों के लोगों से काम करने का मौका जब मिलता है। और यही जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बड़ा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता कि उनको अपनी ही जगह बैठे हुए और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिले। जब इनकी एग्जीबिशंस लगती है तो जो आम जनता इन काम को देख पाती है और उसके उस आर्ट के द्वारा वो दूसरे देश की संस्कृति को पहचानती है, तो आपसी रिलेशंस तो बढ़ते ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि सोवियत टाइम पे जब हम रशिया की किताबें पढ़ते थे, हमारे टाइम पे तो एटलीस्ट, तो हमें इतना ऐसा लगता था कि हम रशिया के बहुत करीब हैं। रशिया इंडिया टाइज की बात कर रही हूँ मैं, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जितना भी हमारी कल्चरल एक्सचेंज होगा, चाहे वो लिटरेचर के थ्रू है, विजुअल आर्ट के थ्रू है और परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू है, तो ये आपसी रिश्ते वो पॉलिटिकल उसके अंदर भी सीप इन करते हैं और रिश्ते हमारे मजबूत होते हैं। कलाकार कला के माध्यम से शांति और विनम्रता को फैलाने का काम कर रहे हैं, साथ ही सभी कलाकार एक दूसरे के देशों की कला और संस्कृति को जानने समझने में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दिए। ऐसे इवेंट्स अगर हों आर्ट समिट जैसे इस बार हम सर ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो इस तरह से हो तो एक तरह से कल्चर एक्सचेंज बनता है फॉर डिफरेंट प्लेसेस ना। जैसे मैं नेपाल से हूँ, हम इंडिया और रशिया के यहाँ पे और आर्टिस्ट हैं, अगर इसी तरह से हमारे और इवेंट्स होते हैं तो फिर हम एक दूसरे की वर्क से प्रैक्टिस सीखते हैं कि जो मेरा प्रैक्टिस होगा यहाँ पे इंडिया में क्या होता है या रशियन के आर्टिस्ट कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें वो सीखने को मिलता है। जैसे हिमाचल जैसी जगह है तो यहाँ पे जितने भी पीपल जो अपने रियल लाइफ से फेड अप होते हैं वो हमारे पास हिमाचल या ऐसे पहाड़ क्षेत्र जाते हैं, तो यहाँ ही यही एक प्लेसेस है जहाँ पे ये लोग अपने क्या कहते हैं लाइफ को एक बिजी लाइफ को एक साइड में रख के एक नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जैसे हम यहाँ पे अगर हम आर्ट रिलीजन ऐसी चीज़ें प्रमोट हों जो एक टूरिज्म का भी एक पर्पस है, तो फिर ये है कि ये इस प्लेस को भी बढ़ाएगा। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।